एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 3rd of February के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, तेली नीलापुरम इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच पर्टिकुलर स्टेट। सो कौन से स्टेट में है ये? सो ये है डिस्ट्रिक्ट श्रीकाकुलम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में जो माइग्रेटरी स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स होती हैं, ये एक तरह की बर्ड है, उनकी मास डेथ का केस सामने आया था। मतलब बहुत सारी बर्ड्स जो है मरी पड़ी थी। ठीक है, और गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से लगभग 113 स्पेशीज ऑफ एक्सोटिक बर्ड्स यहाँ पे आती हैं हर साल। किस लिए आती हैं? फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ठीक है, कौन सी कंट्रीज से आती हैं? साइबेरिया, रशिया, मलेशिया, हंगरी, सिंगापुर और जर्मनी से। ठीक है, तो बस इसीलिए न्यूज़ में थी ये चीज़, याद रखिएगा। ये बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले काजू वैली वेटलैंड के बारे में बात की थी। क्यों न्यूज़ में था ये? क्योंकि इसको डिक्लेयर किया गया था इंडिया का 16वां बर्ड सेंचुरी। ठीक है, कहाँ पे है ये? विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट के? तमिलनाडु में। ओके, तो याद रखिएगा ये जो वेटलैंड है काजू वैली वेटलैंड, ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है साउथ इंडिया की। और फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है अगेन। ओके, इसके अलावा याद रखिएगा हम वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2nd of February को, मतलब हमने कल ही ये दिन सेलिब्रेट किया है। और 2022 मार्क करता है 51 ईयर्स ऑफ कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, थीम क्या थी इस साल की? 2022 की थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्यों मनाते हैं हम ये दिन? ताकि जो भी वेटलैंड्स होते हैं उनका क्या रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, साथ ही साथ हमारे प्लैनेट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसकी अवेयरनेस थोड़ी सी स्प्रेड की जा सके। ओके, ठीक है, इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने देखा था कि चिल्का लेक न्यूज़ में था। चिल्का लेक कहाँ है? ये है उड़ीसा में, और उड़ीसा वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट की थी अपनी बर्ड सेंसस, बस इसी वजह से ये लेक न्यूज़ में थी। ठीक है, और यहाँ पर चिल्का लेक के अंदर में ही एक सेंचुरी पाई जाती है जिसका नाम है नालबना। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो चिल्का लेक है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ हमने बात की थी साउथ इंडिया की सिर्फ, और यहाँ पे हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा कौन सी बर्ड सेंचुरी लार्जेस्ट है पूरे एशिया की अगर हम बात करते हैं तो? वो है भरतपुर। भरतपुर का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है? क्यूलाडियो नेशनल पार्क। ठीक है, साथ ही साथ कुछ बर्ड सेंचुरीज हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ देख लेते हैं। सबसे पहली है कोलेरू, ये है आंध्र प्रदेश में। फिर है नाल सरोवर, ये है गुजरात में। फिर थर्ड है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये है हरियाणा में। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि मयानी बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में है। अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित जसराज वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे। ठीक है, कौन से घराने से बिलोंग करते थे? मेवाती। क्यों न्यूज़ में अभी है? क्योंकि हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया गया है, जिसको प्रेसाइड किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, एक तरह का ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द नेशनल हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो हमारी जो सभ्यता है, जो कल्चर है, इसको प्रमोट करना और उसको प्रिजर्व करके रखना। ओके, तो जो पंडित जसराज की लेगेसी है उसको आगे लेके जाना ही इसका मेन मकसद है। ठीक है, देखिए, इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले देखा था कि यूनेस्को ने हाल ही में ऐड किया है नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स को, कहाँ पे? टू इट्स हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, ये जो वुडन सेल बोर्ड्स हैं ये हज़ारों साल से वहाँ के लोगों को, मतलब नॉर्दर्न यूरोप के लोगों को ट्रेड और इन्फ्लुएंस में हेल्प करती रही हैं। साथ ही याद रखिएगा जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। ओके, देखिए, इसके अलावा
हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? मिस्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया था पहला ओपन रॉक म्यूजियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे किया था? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये जो म्यूजियम है ये 35 अलग अलग तरह के रॉक्स को रिप्रेजेंट करेगी जो कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों से लाए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप पढ़े होंगे पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक और न्यूलिथिक, ये रॉक्स की एजेस को डिफाइन करते हैं। तो जो एज इसमें इंक्लूड की गई है रॉक्स की, वो लगभग 33 बिलियन ईयर्स अगो से लेके 55 मिलियन ईयर्स अगो तक के रहेंगे। ओके, तो इस एज के पत्थर आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट बैरियर रीफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ, और ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन ने ये अनाउंस किया था कि वो 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और देंगे, मतलब और इन्वेस्ट करेंगे इस ग्रेट बैरियर रीफ की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, एक्चुअली रीफ अभी बहुत ज़्यादा थ्रेट में है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है, प्लस ग्लोबल वार्मिंग के जो भी इश्यूज हैं उसकी वजह से। साथ ही गवर्नमेंट को वहाँ के क्रिटिसाइज किया गया था फॉर सपोर्टिंग द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए स्कॉट मॉरिसन ने 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का अनाउंसमेंट किया है टू प्रोटेक्ट ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इसके अलावा लास्ट मंथ हमने साइन किया था एक एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसका नाम क्या था? एयर बबल एग्रीमेंट। एक्चुअली COVID-19 की वजह से जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, जितनी भी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स थी, वो कैंसिल कर दी थी इंडिया ने। कब तक? 31st of January 2022 तक के लिए। लेकिन एयर बबल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिजिबल पैसेंजर्स हैं, मतलब जिनका कोविड टेस्ट हुआ है, जो भी कोविड नेगेटिव है, उनको अलाउ किया जाएगा टू ट्रेवल बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया ने ये बायलेटरल एयर बबल एग्रीमेंट लगभग 33 कंट्रीज के साथ साइन किया था उस टाइम। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक कंट्री थी। ठीक है, देखिए इसके अलावा आजकल एन सेफ्रा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जिसको हम गेटवे टू सहारा भी कहते हैं। कहाँ पे है ये? नॉर्थ वेस्ट अल्जीरिया में, और ये जो एरिया है ये पूरा अटलस माउंटेन से घिरा हुआ है और 1000 मीटर्स अबव है फ्रॉम द मीन सी लेवल। ठीक है, तो क्या वजह थी जिसकी वजह से न्यूज़ में था ये? तो रिसेंटली हुआ क्या है, जो सहारा डेजर्ट है हमारा, ऑब्वियसली वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट और ड्राई है, लेकिन हाल ही में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया था एन सेफ्रा के टाउन के आसपास। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, लेकिन ये बहुत एबनॉर्मल चीज़ हमें देखने को मिली। साथ ही साथ यहाँ पे रेयर स्नोफॉल भी देखा गया। तो सहारा डेजर्ट में आप स्नोफॉल इमेजिन नहीं कर सकते, राइट? तो बस यही वजह थी कि ये न्यूज़ में था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एन सेफ्रा, जो कि गेटवे टू सहारा भी है, कौन सी कंट्री में है? आंसर है अल्जीरिया। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि ब्रिस्बेन सिटी ऑस्ट्रेलिया की होस्ट करेगी 2032 के ओलंपिक्स को। इसके साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सिटी बन गई है टू होस्ट द ओलंपिक्स। ठीक है, फर्स्ट कौन थी? मेलबर्न, इसने होस्ट किया था 1956 में। सेकेंड थी सिडनी, और सिडनी ने ओलंपिक्स को होस्ट किया था 2000 में। तो याद रखिएगा ब्रिस्बेन तीसरी ऑस्ट्रेलिया की सिटी है जो कि ओलंपिक्स को होस्ट करेगी 2032 में। आपको मुझे बताना है COP28 2023 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज अग्रीड टू कोऑपरेट विद द यूरोपियन यूनियन ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। तो किस कंट्री ने अग्री किया है कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ कोऑपरेट करेंगे इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी? आंसर है USA। सो US के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने और उनके यूरोपियन यूनियन के काउंटर पार्ट उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्होंने प्लेज किया है कि ये कोऑपरेट करेंगे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को गारंटी करने की। ठीक है, एक्चुअली यूरोपियन यूनियन डिपेंड करता है रशिया के ऊपर इसके 1/3 ऑफ गैस सप्लाईज के लिए। ठीक है, लेकिन अभी जैसे यूक्रेन में बहुत इशू चल रहा है रशिया का, तो इस वजह से ये अपना एक सेफ गेम खेल रहे हैं। इन्होंने USA के साथ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर प्लेज ले लिया है। ठीक है, देखिए इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने हाल ही में लॉन्च की है अपनी पहली सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, जो कि पूरे तरीके से अफ्रीका में ही डेवलप की गई थी। ठीक है, तो 3 लोकली प्रोड्यूस्ड नैनो सैटेलाइट्स जो कि फॉर्म करती हैं कंट्री का पहला मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। ये लॉन्च कहाँ से हुई थी? केप कनावरल इन द USA। ठीक है, और ये पार्ट किसका था? स्पेस एक्स के
ट्रांसपोर्टर 3 मिशन का। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या बन गई है, नुसंतारा, और पहले कौन सी कैपिटल थी इसकी, जकार्ता। देखिए इसके अलावा पाकिस्तान के स्किपर हैं बाबर आजम, ये बन गए हैं कैप्टन ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर फॉर 2021। और याद रखिएगा इस लिस्ट में इंडिया से कोई भी खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। और वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो स्मृति मंधाना इकलौती इंडियन वुमेन प्लेयर हैं जो कि इसमें नेम की गई थी। और इस लिस्ट में कैप्टन कौन था, नैट स्काइवर, जो कि इंग्लैंड से हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसमें बेस्ट फीफा प्लेयर वुमेन्स कैटेगरी में कौन बनी थी, अलेक्सिया पुटुलस, और मेंस कैटेगरी में बेस्ट कौन था, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। क्या बता सकते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को मिला है एट द वॉशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021? अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज द $10 trillion ड्रीम? ये बुक किसकी है, आंसर है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग। तो बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया है अबाउट द पॉलिसी इश्यूज जो अभी इंडिया फेस करता है, साथ ही साथ बहुत सारे सजेशन और रिफॉर्म्स भी बताए हैं इन्होंने कि कैसे हम अपनी $10 trillion इकोनॉमी बना सकते हैं बाय द मिड 2030s, ठीक है। और अगर सुभाष चंद्र गर्ग की बात करें, ये IAS ऑफिसर थे और इनको फाइनेंस सेक्रेटरी कब बनाया गया था, 2019 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स देख लेते हैं। एक बुक अभी हाल ही में किरण बेदी ने लिखी है जिसका नाम दिया है फियरलेस गवर्नेंस। जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होती हैं उनकी बुक्स डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक और बुक थी ऑपरेशन खात्मा जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसको दो जर्नलिस्ट ने मिलकर लिखा है। फर्स्ट है RC गंजू और सेकेंड है अश्विनी भटनागर। इसके अलावा अभी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरुंधति भट्टाचार्य लिखी गई है, इसका नाम क्या दिया है, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रिटायर्ड इंडियन बैंकर हैं, साथ ही साथ ये फॉर्मर फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन है किस बैंक की, SBI की। ओके, साथ ही साथ एक बुक ममता बनर्जी के ऊपर लिखी गई है जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, इसका नाम है ममता बियॉन्ड 2021 और किसने लिखी है इसको, जयंत घोषाल, ठीक है। और एक लास्ट बुक शशि थरूर की हाल ही में रिलीज हुई है। देखिए शशि थरूर की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत सारी बुक्स बैक टू बैक पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो इनकी बुक का टाइटल क्या था, प्राइड प्रेजुडिस एंड पुंडित्री, ठीक है। तो 3P करके आप याद रख सकते हैं इनकी बुक का नाम, जरूर याद रखिएगा, ये डेफिनेटली आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, लॉगपिट 2.0 ग्रुप लॉन्च्ड अ साइबर अटैक ऑन द जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में फ्रांस के जस्टिस मिनिस्ट्री के ऊपर इस ग्रुप ने अटैक किया है, तो जो भी मिनिस्ट्री की फाइल्स थी इंपॉर्टेंट उनको सबको हैक कर लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये रैंसम मांग रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट और कंट्री ने इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च कर दिया है इनके अगेंस्ट। और फ्रांस के अकॉर्डिंग अभी तक इन्होंने किसी भी फाइल को करप्ट नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एक नई स्टडी के हिसाब से पेरुवियन अमेजोन में सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक मरकरी पॉल्यूशन पाया गया है। और सबसे मेन रीज़न क्या था यहाँ पे इतना ज़्यादा मरकरी पॉल्यूशन का, रीज़न था इलीगल गोल्ड माइनिंग, ठीक है। तो जो यहाँ की बर्ड्स हैं उनके बॉडी सिस्टम में 12 टाइम्स ज़्यादा मरकरी पाया गया देन द बर्ड्स जो कि लेस पॉल्यूटेड एरियाज में रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम पुलिस ने हाल ही में एक प्रोब जारी किया है पार्टीगेट कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर, इसको आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में था इधर बीच। एक्चुअली ऐसा माना गया है कि जो 2020 में जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उस टाइम पे UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की थी। तो अब स्कैंडल को एग्जामिन किया जा रहा है बाय सीनियर सिविल सर्वेंट सू ग्रे, ठीक है। और अब इनकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK का फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। ठीक, इसके अलावा एक टर्म है फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये आपने सुना होगा आजकल। ये क्या है, ये एक कलेक्शन है फ्रांस के लगभग 100 आइलैंड्स का जो कि कहाँ पे हैं, साउथ पैसिफिक में, ओशनिया में, ठीक है। तो यहाँ पे हाल ही में यूनेस्को ने डिस्कवर की है एक मैसिव रीफ जो कि रोज के शेप की थी, कहाँ पाई इन्होंने, एट द कोस्ट ऑफ तहिती जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है फ्रेंच पॉलिनेशिया की, ठीक है।
और ये जो स्ट्रक्चर है ये मेंटेन था जबकि यहाँ पे कितने सारे कोरल ब्लीचिंग के इवेंट्स भी हुए थे, ठीक है। तो जब भी कभी यूनेस्को बीच में आ जाएगा तो वो चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए पूछा जा सकता है आपसे कि जो फ्रेंच पॉलिनेशिया है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है। आंसर है ओशनिया, और किसका है, फ्रांस का ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इज रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो हाल ही में हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिस्टर मनसुख मांडवीय ने एक निपर रिसर्च पोर्टल को इनॉग्रेट किया है जो कि काम करेगी 7 निपर्स के ऊपर और जो कि उनकी रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनको भी टैकल करेगी, ठीक है। देखिए इसके अलावा हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने अनाउंस किया है कि 150 विलेजेस जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं उनको कन्वर्ट करके अब हम बनाएंगे विलेज ऑफ एक्सेलेंस, और इसमें हेल्प हम किसकी लेंगे, कंट्री इसराइल की, ठीक है। और 75 विलेजेस क्यों लिया गया है अभी पहले साल में, टू कमेमोरेट द 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और जो दोनों कंट्रीज़ हैं इंडिया और इसराइल, इन्होंने हाल ही में अपने 30 साल भी सेलिब्रेट किए थे डिप्लोमेटिक टाइज के। ठीक है, इसके अलावा इंडिया एशियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 हाल ही में अप्रूव किया गया है, कहाँ पे, इन द सेकेंड एशियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि वर्चुअल मोड में हुई थी। तो ये जो वर्क प्लान है ये किस पे फोकस करेगा, ऑन टैकलिंग द यूज ऑफ स्टोलन एंड काउंटरफीट मोबाइल हैंडसेट, साथ ही साथ वाईफाई इंटरेस्ट के ऊपर। साथ ही ये लोग नॉलेज शेयर करेंगे किस फील्ड में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडवांस्ड सेटेलाइट कम्युनिकेशन, 5G और साइबर फॉरेंसिक्स में, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द डिजिटल वर्क प्लान 2022 अलॉन्ग विद विच ब्लॉक, आंसर है एशियान। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज सक्सीडेड कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वी अनंत नागेश्वरन को एज इट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ये पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, कब से कब तक, 2019 से 2021 तक, ठीक है। और जो अपकमिंग सर्वे है उसको जो टीम ड्राफ्ट करने वाली है उसको लीड कौन करेगा, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर संजीव सन्याल। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये हमारे नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ बन गए हैं। इसके बाद हैं रॉबर्टा मेटसोला, इन्होंने टेक ओवर किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। फिर है शेर सिंह डी खालिया, ये अपॉइंट हो गए हैं एज CEO ऑफ अदानी पावर। फिर है नरेंद्र कुमार गोयनका, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर हमने देखा था मिस्टर रघुवेंद्र तनवार के बारे में, ये अपॉइंट हुए हैं एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इन सब के अलावा हमारे नए IMF चीफ कौन बन गए हैं, मिस्टर पियर ओलिवियर। क्या आप बता सकते हैं इन्होंने किस पर्सनालिटी को रिप्लेस किया है, उनका नाम आप कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा एस सोमनाथ बन गए हमारे नए इसरो के चीफ, और इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर के सिवन को। आपको बताना है कि रिन्यू बाय ने हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। और एक दो और देख लेते हैं। नेक्स्ट है चंचल कुमार, ये अपॉइंट हुए हैं एज MD ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर दिलीप संघानी बन गए हैं हमारे नए चेयरमैन इफ्को के, इफ्को स्टैंड फॉर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, और इन्होंने रिप्लेस किया है बलविंदर सिंह नकई को, ठीक है। और एक लास्ट देखते हैं, विक्रम देव दत्त ये बन गए हैं हमारे नए चेयरमैन और MD एयर इंडिया लिमिटेड के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ज़ियोमारा कैस्ट्रो हैज़ बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट बन गई हैं ये, आंसर है होंडुरस। और होंडुरस एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसके नॉर्थ में कैरेबियन सी होता है और साउथ में पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। सबसे पहले हैं अली खान स्माइलोव, ये हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के, कजाकिस्तान। इसके बाद बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर मिया मॉटली, इन्होंने हाल ही में अपना सेकेंड टर्म भी जीत लिया है। फिर है गैब्रियल बोरिक,
ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन सी कंट्री के? चिले के। इसके बाद हैं पेट्रोफाइला, ये हैं नए प्राइम मिनिस्टर जेक रिपब्लिक के। देखिए इसके अलावा हमने देखा था कि आरबीआई ने हाल ही में रिलीज की थी अपनी एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम फॉर द ईयर 2022-21। इसमें इन्होंने बताया था कि मेजर एरियाज जो कंप्लेंट्स की आई हैं वो हैं रिलेटेड टू एटीएम, डेबिट कार्ड्स, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम या फिर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स चंडीगढ़ से आई थी, फिर कानपुर से और थर्ड प्लेस पे था न्यू दिल्ली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ अप्रूव एक्स ग्रेटिया रिलीफ ऑफ 20,000 रुपीज़ पर एकड़ टू द फार्मर्स? देखिए जो भी फार्मर्स हैं अगर उनकी फसलें बारिश की वजह से ख़राब हुई थी लास्ट ईयर तो उनको 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, किस हिसाब से? अगर उनका जो डैमेज है वो 70% या उससे कम है तो फिर जो कंपनसेशन है वो 17% ही दिया जाएगा, जो मतलब उनका अमाउंट लगा था उस फील्ड में उसका 70%। और अगर ये वैल्यू 70% से ज़्यादा है तो फिर 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी का इनिशिएटिव है? आंसर है दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु ने हाल ही में एक ड्राफ्ट फ्रेम किया है किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो इनके लिए एक डायरेक्टोरेट क्रिएट किया जाएगा ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं स्टेट में उनका वेलफेयर हो सके। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल के तहत किया जा रहा है? आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योर करें हर उस इंसान का जो बूढ़ा है या फिर जो बीमार है या फिर डिसेबल है या उसको कोई प्रॉब्लम है या अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब देना और उनका ख्याल रखना वर्क और एजुकेशन से रिलेटेड ये स्टेट का काम है, ये आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऐसा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में एक वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में होस्ट किया है पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट वर्चुअल फॉर्मेट में। और इस समिट में किन लोगों ने हिस्सा लिया था? प्रेसिडेंट ऑफ 5 कंट्रीज बेसिकली, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और जो भी आंसर आते हैं वो आप कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, और अगर आपके 5x5 आते हैं, 4x5 आते हैं तो वेल एंड गुड, कम आते हैं, 0 आते हैं या 1 आते हैं कोई भी बात नहीं, डेफिनेटली टाइम के साथ आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, साथ ही आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर बहुत खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू साइनिंग ऑफ।